हेलो एवरीवन, आज मैं इंस्टेंट तरीके से सोया बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसे पैन में बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर और कॉमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए 1 कप के करीब मैंने सोयाबीन ली है। मैंने इसे गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। उसके बाद मैंने इसके सारे पानी को हाथों से निचोड़ लिया है। सबसे पहले हमें इसे मैरिनेट करना है। इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ 2 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक मैं यहाँ 1 चम्मच के करीब ले रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। 2 हरी मिर्च, इसे मैंने बीच में से कट लगा लिया है, इसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अंत में हम इसमें डालेंगे दही, ये मैं 4 बड़े चम्मच ले रही हूँ। अब सबसे पहले हम इन सारे इंग्रेडिएंट को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर मैरिनेट होने देंगे। क्योंकि मैं ये बिरयानी पैन में बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही साथ 2 छोटी इलायची, इसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, और ये 3 से 4 लौंग। अब हम इन सभी को थोड़ा सा भूनने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे मैंने लंबे पतले साइज में काट लिया है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसलिए इस स्टेज पर मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखें, नमक हमने मैरिनेशन के टाइम पे भी यूज़ किया है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। फ्लेम को मीडियम पर ही रखें, बस इसे बीच बीच में चलाते रहें। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसे पकाते हुए, और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ सोयाबीन, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस अब हम इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। आप चाहें तो बीच बीच में इसे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मसाले और जो सोया चंक्स है वो बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे बीच बीच में चलाकर चेक भी किया था ताकि ये नीचे से जले ना। अब बारी है इसमें चावल ऐड करने की। तो इसके लिए मैंने 1 कप के करीब बासमती चावल लिया है। इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। साथ ही साथ इसमें जाएगा पानी। पानी मैं यहाँ 1.5 कप के करीब ऐड कर रही हूँ। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर चावल की क्वालिटी अलग अलग होती है। अब हम इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर तब तक कुक करेंगे जब तक कि चावल अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। इसके लिए आप इसे बीच बीच में चेक ज़रूर कर लें। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे कुक करते हुए। मैंने बीच बीच में इसे 1-2 बार चेक भी किया था, आप देख सकते हैं। मैं इसे हल्के हाथों से चलाकर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये सोया बिरयानी। चावल भी बहुत अच्छी तरह से कुक्ड है। तो अब हम करेंगे गैस को बंद, और इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। आप इसे ठंडे रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी इंस्टेंट सोया बिरयानी की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।